विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बोर्ड की परीक्षा में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा उत्तर कैसे लिखें ताकि आपके हाईएस्ट मार्क्स आ सकें। देखिए, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अग्नाशय की संरचना का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया और आप कम से कम समय में इसका अच्छा आंसर देना चाहते हैं, तो मैं बताता हूं आपको कैसे लिखें। पहले इसका आंसर अगर लिखेंगे तो आप लिख दीजिए, देखो अग्नाशय जो है, अग्नाशय के बारे में आपको इस प्रकार का रेखीय एक वो बनाना पड़ेगा, डायग्राम, लीनियर डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है, अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। पहली लाइन, यह एक मिश्रित ग्रंथि है, पहली लाइन तो ये लिख देंगे, ठीक है। और यहां से ही दूसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे, देखो आपका आंसर भी सुंदर दिखेगा और आपका नंबर भी जो है ना एग्जाम में मार्क्स जो आएंगे ना आपके, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कि अग्नाशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। और यह है दूसरी बात क्या लिखेंगे, यह है ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होता है, के मध्य, यह ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होता है, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद दो लाइन हो गई सिंपल सिंपल सी। अब क्या करेंगे, इसके मिश्रित ग्रंथि है इसलिए इसके दो भाग आप इस प्रकार से बता देंगे, दो भाग इसके इस प्रकार से बता देंगे कि बाह्य श्रावी भाग, दो भाग होते हैं इसके, बाह्य श्रावी भाग, बाह्य श्रावी भाग, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि है तो इसका एक पार्ट जो होता है वो बाह्य श्रावी भाग होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वह होता है अंतःश्रावी भाग, अंतःश्रावी भाग, ठीक है। दो पार्ट हो गए भाई अग्नाशय के, एक तो बाह्य श्रावी और दूसरा अंतःश्रावी। इनके बारे में आप लोगों को लिखना है, जानते होंगे बाह्य श्रावी भाग, वह भाग जिसके जिसमें बनने वाले पदार्थ को ले जाने के लिए नलिकाएं पाई जाती हैं वह बाह्य श्रावी भाग कहते हैं, और जिनमें जो पदार्थ बनता है, जिस पार्ट में जो पदार्थ बनता है या श्रावित होता है उसको ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती, वह रुधिर के माध्यम से ही लक्ष्य अंग तक जाता है, उसको अंतःश्रावी भाग या अंतःश्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि बाह्य, इसका कुछ भाग बाह्य श्रावी है, कुछ भाग अंतःश्रावी है। दो लाइन, दो शब्द और लिख देंगे, बाह्य श्रावी और अंतःश्रावी लिख दिया। अब देखो बाह्य श्रावी में क्या होता है, बाह्य श्रावी भाग जो होता है वो अग्नाशय का, वह अग्नाशय रस श्रावित करता है। कौन सा रस श्रावित करता है, अग्नाशय रस श्रावित करता है। कौन सा रस श्रावित करता है, अग्नाशय रस श्रावित करता है बाह्य श्रावी भाग, जो क्या काम करता है भाई, भोजन का पाचन करता है। ये क्या काम करता है, भोजन का पाचन करता है। अगली बात समझ में, ये तीन बात लिख दी इस साइड में, फिर अंतःश्रावी भाग इसमें क्या लिखेंगे, इस भाग से हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन सा, क्या स्रावित होते हैं भाई, हार्मोन, क्या स्रावित होते हैं अंतःश्रावी भाग से, हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, दो हार्मोन स्रावित होते हैं, कौन कौन से, एक तो इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और दूसरा ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित करता है, ग्लूकेगोन ध्यान में रखना। इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन जो होते हैं ये रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। देखो इसमें लिख देंगे, ये रुधिर में शर्करा की मात्रा को, ये रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इतना लिख दिया, ये मान लो दो नंबर का है तो दो नंबर का आ जाएंगे आपके, तीन नंबर का है तो तीन नंबर आ जाएंगे। सिंपल सा इतना सा लिखना है कि पेंक्रिया जो है एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। कहां स्थित होता है, डियोडेनम या ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में स्थित होता है। इतना लिखने के बाद इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो बाह्य श्रावी भाग और दूसरा अंतःश्रावी भाग। बाह्य श्रावी भाग जो होता है वो अग्नाशय रस श्रावित करता है और अंतःश्रावी भाग जो होता है वह हार्मोन श्रावित करता है। अग्नाशय से दो हार्मोन श्रावित होते हैं, पहला हार्मोन जो होता है इसको इंसुलिन हार्मोन कहते हैं, यह है जो है रुधिर में शर्करा की, और दूसरा है ग्लूकेगोन,
इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन हार्मोन जो होता है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है और इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को या शर्करा की मात्रा को घटाता है। बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसकी अगर कमी हो जाती है तो रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। पर आप इतना सा लिख देंगे कॉपी में तो आपका आंसर भी शानदार दिखेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छे से अच्छे नोट्स आप लोगों तक हम प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।